नमस्कार। कुरुक्षेत्र सितंबर 2018 हम आज देखेंगे, जिसमें हम सतत ग्रामीण विकास की बात करेंगे। तो इसमें ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन, जो कि इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है, और कई सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स जो ग्रामीण विकास में मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में आए हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कृषि को अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मेशन का सूत्र माने तो क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाना होगा, और गवर्नेंस या प्रशासन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाना होगा। लगभग ग्रामीण क्षेत्र में आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है कृषि और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियाँ करती है। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 से 3 लाख पर हेक्टेयर है, और मुख्यतः इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ये होता है। बहुत सारी एरियाज़ में हम बोलते हैं कि फोकस्ड फंड्स हैं। नाबार्ड के तहत 2015-16 में लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड की स्थापना हुई थी। इसमें मुख्यतः फिशरी और एक्वाकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर आया, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री का प्रोजेक्ट आया, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आए जो कि मुख्यतः इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए थे। संपदा स्कीम आई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के लिए थी। अब इसी में अगर हम देखें तो एक बिल पास हुआ था लैंड लीजिंग के लिए, जिसमें कहा गया था कि जमीन का सबसे बेहतरीन उपयोग किस तरीके से किया जा सके, जो ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान की आय 2022 तक दुगनी करने की बात की जा रही है, तो वो सिर्फ कृषि के माध्यम से नहीं हो सकता। कृषि से जुड़ी हुई अलाइड एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं, जिसमें हो गया आपका फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मसाला उत्पादन, और कृषि से जुड़े हुए उद्योग जो कि चल रहे हैं। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खेतों में काम में लेने जाने के बाद जो भी सौर ऊर्जा है उसको आप डिस्कॉम पे बेच सकते हैं कुसुम स्कीम के अंडर में। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं वो हम बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कारगर हैं। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है NCR के रीजन में। इसी तरीके से कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चरल मशीनरीज इम्प्लीमेंट होती हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो आपका जनधन योजना है, जिसके तहत बहुत सारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खाते खोले गए हैं। जीरो बेस्ड अकाउंट्स ये खोले गए हैं, और लगभग 24 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कार्ड्स अभी तक इशू किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फिगर है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये कायम हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट भारत में चालू हुआ है। नीति आयोग ने एक मॉडल एक्ट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग बनाया है 2016 में, जिसके तहत जो भी लैंड लीजिंग लॉज हैं कृषि के क्षेत्र में, उनमें जो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं उनको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बुनियादी संरचना की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से रिलेटेड जितनी भी संरचनाएं हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशन है, गोडाउन है, कोल्ड चेन स्टोरेज फैसिलिटी, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको और सुदृढ़ बनाने की बात की जा रही है। ग्राम्स की स्थापना होगी, जिसको ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट कहा गया है, जहां पर 3 कार्य होंगे। सबसे पहले असेंबली की जाएगी, एग्रीगेट किया जाएगा, और फिर रिटेल किया जाएगा या रिटेल के रूप में बेचा जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम बात करते हैं, हम ई नाम की बात करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, जहाँ पर सभी किसान अपना सामान समान दाम पे बेच सकते हैं, और ये एक ऑनलाइन इंटरकनेक्टिविटी है जो कि सभी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ने का कार्य करती है। तो वैल्यू चेन प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड के तहत PODF बनाए जाएंगे, जिसको प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड कहा गया है, जिसके तहत क्रेडिट दिया जाएगा और बहुत सारी असिस्टेंस दी जाएगी नियरली 200 से भी ज़्यादा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को अगले 4 से 5 सालों के लिए। अगर लाइवलीहुड मिशन की बात करें तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, मुख्यतः सपोर्ट सिस्टम है, किस तरीके से जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको लिंक किया जा सकता है, जो गरीब क्षेत्र हैं उनको किस तरीके से उठाया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सबसे पहले आता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, और ये अपने लेवल पे या तो रिवॉल्विंग फंड रखते हैं या कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड रखते हैं,
जिसके द्वारा माइक्रो क्रेडिट प्लान्स प्रोवाइड किए जाते हैं और जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रास रूट लेवल पे काम होता है। उसके बाद आता है आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसका दूसरा लेवल है, और उसके तीसरे लेवल पे आता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो कि उसका तीसरा लेवल है। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनका कार्य क्या होता है, सबसे पहले तो फाइनेंशियल सर्विसेज देना, जैसे बैंकिंग हो गया, आपका सेविंग की सर्विसेज, लोन की सुविधा, क्रेडिट की सुविधा। इसके अलावा बैंक को सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिंक करने का कार्य किया जाता है। बहुत सारी दूसरी सर्विसेज दी जाती हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल होती हैं, जैसे ऑडिट की सुविधा है, सोशल इश्यूज हैं, लीगल काउंसलिंग है। इसके अलावा हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब बात करते हैं तो रंगराजन कमेटी जो आई थी 2008 में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कि जो गरीब तबका है और जो लो इनकम ग्रुप्स है जिसको हम LIG कहते हैं उसको अफोर्डेबल कॉस्ट कैसे मिल सकती है उसके बारे में चर्चा की जाए। और इसी के तहत सर्विस एरिया अप्रोच का इंट्रोडक्शन हुआ था 89 में, जिसमें हमने कहा था कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में किस तरीके से गाँव को आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनकी फाइनेंशियल नीड को टैकल किया जा सकता है। 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भारत में आई हैं हाल ही में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि डेथ केस में है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि एक्सीडेंटल केस में है, और अटल पेंशन योजना जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तीनों ही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम है या सामाजिक सुरक्षा की स्कीम आई है। इसी की तरह मिनेग्रा स्कीम आई है जो कि 100 डेज ऑफ मिनिमम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। शुरुआती तौर पर यहाँ पर हमने बोला था कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था 77 में, जिसको एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के साथ लिंक किया गया। फिर आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम बना और बाद में इसी का नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रख दिया गया। तो इसके अंडर में आप बहुत सारे चेक डैम्स बनाने का काम करते हैं, छोटे वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं, फ्लड कंट्रोल का काम करते हैं, रोड और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जियोटैग करने का काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जियोटैगिंग से आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें इस मिनेग्रा स्कीम के अंडर में होती है, जिसमें 5.5 करोड़ से भी ज्यादा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स के द्वारा पेमेंट दिया जा चुका है। इसी की तरह जलयुक्त शिविर अभियान चालू किया गया है, जिसमें लगभग 5,000 ग्रामीण क्षेत्रों को अकाल रहित घोषित किया गया है मिनाग्रा के तहत। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में हुए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं में प्राइमरी लेवल पे आपके हेल्थ सब सेंटर्स होते हैं, फिर प्राथमिक चिकित्सालय होते हैं, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। तो कहाँ पर कितना नंबर है, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको हैंडआउट्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो आयुष्मान भारत का जो प्रोजेक्ट इस साल चालू किया गया है वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर हमने एक डिटेल में विस्तार में क्लास ली है, तो आप रेफर कर सकते हैं। इसी तरीके से नेशनल हेल्थ रिसोर्स रिपोजिटरी जो है उसका मुख्य कार्य है कि अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए। फिर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का आता है जो कि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन। इस मिशन में ये कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र शहर के पास में है उनका विकास हो सके, तो जो उनकी ग्रामीण यूनिकनेस है वो भी बनी रहे और शहरों से उनका धीरे धीरे इंक्लूसिवनेस भी डेवलप हो सके। इसमें वो सारे केंद्र इंक्लूडेड हैं जहाँ पर प्लेन और तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या 25,000 से 50,000 के बीच में है, और पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पर जनसंख्या 5,000 से 15,000 के बीच में है। तो इनका मुख्य कारण यह है कि ये फॉर्मल सेक्टर काम में नहीं रह रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर अकाल की वजह से बाहर की तरफ माइग्रेशन हो गया है, जैसे मराठवाड़ा हो गया आपका, बुंदेलखंड, तेलंगाना, यहां से बाहर की तरफ माइग्रेशन चालू हो गया है। तो बहुत सारे नॉन ट्राइबल क्लस्टर्स हैं। इन नॉन ट्राइबल क्लस्टर्स में स्टेट गवर्नमेंट ने ये डेफिनेशन दी है कि शुरू के 4 जो पैरामीटर्स हैं वो लगभग 80% कंट्रीब्यूट करेंगे और लास्ट के 3 का फ्लेक्सिबल वेटेज रहेगा जो 20% रहेगा। तो टोटल आप अपने पैरामीटर्स चुन सकते हैं। फिर बहुत सारे ट्राइबल क्लस्टर्स हैं, ट्राइबल क्लस्टर्स के लिए क्या पैरामीटर्स हैं वो वापस इम्पॉर्टेंट है, तो किस तरीके से उनकी जनसंख्या, उनकी साक्षरता दर, फिर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट को काउंट में लिया जाएगा, कैसे कैसे जो आपका बुनियादी संरचना है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, कुकिंग स्टोव्स डेवलप किए जाएंगे, प्राइवेट को गवर्नमेंट से लिंक किया जाएगा, आपके जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स की स्थापना की जाएगी, पोस्ट ऑफिस
काम में आएंगे या पोस्ट ऑफिसेस को लिंक किया जाएगा, स्मार्ट कार्ड्स का उपयोग बढ़ेगा। अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम मैश और वाईमेक्स जो है दो प्रमुख टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल नेटवर्किंग यहाँ पर चालू हुई है, जो भारतनेट प्रोजेक्ट है उसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में चालू हुई है। डिजिटल सपोर्ट ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचा है पर कृषि में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें एक प्राइवेट कंपनी है जिसने एग्रीवॉच चालू किया है और ई चौपाल चालू किया है, जो कि बहुत सारे किसानों को प्राइस इन्फॉर्मेशन देता है और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देता है। तो बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में ICT एनेबल्ड प्रोग्राम्स चालू हुए हैं उनकी लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मुख्य प्रीलिम्स परीक्षा के लिए या प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ई चौपाल है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की कि किस तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम देखती है। गुड गवर्नेंस की हमने बात की। मार्केट एक्सपांशन में ICT के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, जैसे ई चौपाल, ई सेवा, लोकमित्र, ई पोस्ट, ग्रामदूत, ताराहाट, धान, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो आपको ये नाम सारे पता होने चाहिए। फिर आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गुजरात ने ई एक्सटेंशन प्रोग्राम चालू किया है ग्रामीण क्षेत्रों में। एग्रिसनेट जो है वो एक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो पूरे देश भर में इस्टेब्लिश होगी। एगमार्क नेट जो है आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाने का कार्य करेगी और उसके लिए एक डेटाबेस होगा। ई कृषि विपणन जो है प्रोफेशनलाइजेशन लाएगी और मंडी बोर्ड इस्टेब्लिश करने में और वहाँ पर ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। क्वेरी रिड्रेसल सर्विसेज बहुत सारी चालू की गई हैं। इसी तरीके से टाटा किसान केंद्र आए हैं जहाँ पर प्रिसिशन फार्मिंग पर बल दिया गया है। ई चौपाल की हमने ऑलरेडी बात की, इनको चलाने वाले लोगों को संचालक कहा जाएगा। ई सागू, सागू का मतलब होता है कि कितना कल्टिवेशन हो सकता है तेलुगु में, तो ई सागू जो है आपकी फार्म प्रोडक्टिविटी या क्रॉप प्रोडक्टिविटी की बात करता है। आकाश गंगा आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता है उन गांवों में जो अभी तक परिचित नहीं है लोगों से। फिर डिससैट, जिसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा गया है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेजेस है जो इंटीग्रेटेड इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है मुख्यतः सॉइल के लिए, क्रॉप के लिए और वेदर और मैनेजमेंट ऑप्शंस के लिए। तो ई नाम हमने ऑलरेडी बात की। ई नाम के कुछ प्रमुख अडॉप्टर्स जो थे, जो शुरुआती तौर में भारत में थे, वो स्टेट्स हैं आपके हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसी तरीके से आपका नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स आया जिसके चेयरमैन डॉक्टर स्वामीनाथन थे। मुख्य कार्य रूरल नॉलेज क्लस्टर्स डेवलप करना था, डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोगों को अवगत करवाना था। इसी तरीके से महिलाओं का भी रोल विकास के क्षेत्र में बहुत ही अभिन्न रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी सशक्तिकरण योजनाएं आई हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदया योजना आई है। फिर आपकी आजीविका स्कीम आई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास मंत्रालय देखता है। इसमें लगभग हर घर से एक महिला जो है आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा होगी और बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण केंद्र खोले जाएंगे, राष्ट्रीय महिला कोष बनाया जाएगा जिसमें महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट की फैसिलिटी दी जाएगी। महिला शक्ति केंद्र की हमने ऑलरेडी बात की, किस तरीके से ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडर प्रोटेक्शन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नारी स्कीम आएगी जिसको नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वुमेन कहा जाएगा और इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो महिलाओं के लिए है उसकी जानकारी इस पोर्टल पे रहेगी। इसी तरीके से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसको पोषण अभियान भी कहा गया है, उसकी शुरुआत की जाएगी और जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के उन सभी के लिए क्या क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस होना चाहिए उसकी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में कैश इंसेंटिव दिया जाएगा लगभग प्रेगनेंसी में 6,000 रुपये का और स्वाधार गृह स्कीम के तहत जो भी महिलाएं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं उनको प्राइमरी नीड्स और सुविधाएँ दी जाएंगी। महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे, महिला ई हार्ट खोला जाएगा जहाँ पर महिलाएँ अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू। उज्ज्वला योजना के थ्रू LPG कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके मुख्य बेनिफिट ये है कि महिलाओं को अब कम पॉल्यूशन में रहना पड़ेगा, कम प्रदूषण में रहना पड़ेगा, वायु प्रदूषण में कमी आकी जाएगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाएंगी या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी और स्टेटस जो है वो बेटर हो जाएगा। इसी तरीके से उत्तर पूर्व के विकास की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व में मुख्यतः हम बोलते हैं कि 8 स्टेट्स हैं, तो 8 राज्य हैं आपके, उसमें से 7 तो 7 सिस्टर्स कहलाती हैं और सिक्किम जो है उसको एक ब्रदर माना जाता है। तो इस पूरे ही क्षेत्र के डेवलपमेंट में मिनेग्रा स्कीम का, आपके सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ और महत्वपूर्ण स्कीम्स जो हम चर्चा करते हैं वो तो एक तो नेशनल आपका सपोर्ट प्राइस है, एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। इसी तरीके से स्वास्थ्य में आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर में तीनों की हमने बात की, हेल्थ सब सेंटर,
प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और कम्युनिटी चिकित्सा केंद्र, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे आपके सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी लेवल पे आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं और अपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरीके से पूना विलेज कम्युनिटी ने अपने जो घरों के टॉयलेट्स हैं वो वाली पिलग्रिम्स के लिए खोले हैं, तो ये एक तरीके का स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। इसी तरीके से आपके अररिया ज़िले में जो कि बिहार के क्षेत्र में है, वहाँ पर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे गए हैं और किसानों की आय दुगनी करने का जो मकसद है 2022 तक, उसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात की गई है, जिसमें प्रॉफिट कॉस्ट रिडक्शन की बात की गई है, बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात की गई है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई है और सोशल इक्विटी की बात की गई है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमने कुरुक्षेत्र सितंबर के एडिशन में डिस्कस की। हम योजना का एडिशन भी जल्दी लेके आएंगे, आप चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।